तो कैसे ये फैंस यहाँ पर इस्तकबाल करें, ये देखें फैंस, ये हारने के बाद की सूरत हाल है, ये हारने के बाद की सूरत हाल है। और ये अगर बाबर आजम, शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान टीम के बाकी क्रिकेटर्स ये देख रहे हैं, जाहिर है बस के अंदर बैठे हैं, तो वो सोचें एक लम्हे के लिए कि 9 जून को यही टीम अगर इंडिया को न्यूयॉर्क के अंदर हरा देती है तो उनका इस्तकबाल कैसा होगा। आपको हमारी जारहाना बैटिंग देखने को मिलेगी, और भाई जहलियाना बैटिंग हमें देखने को मिली है, इसे जारहाना हम कैसे कहेंगे? क्यों बात करें, आज देखा नहीं आपको इंग्लैंड ने आपको इतनी अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा है, और आपका हमसाया मुल्क जिसको आपने 9 जून को कह दिया हम हराएंगे, बेटा उनके ना आप उनके ना आप दसदा भी पैदा हो गए, वो बाप है क्रिकेट के, उनको आप नहीं हरा सकते, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी टीम की परवाह नहीं, अगर ये जितवा नहीं सकते पाकिस्तान को, लानत ऐसी टीम को, थूकता हूं ऐसी टीम के ऊपर, यकीन करो। इंडिया को हराने का सिर्फ ख्वाब ही रहेगा इनका अगर ये ऐसे खेलते रहेंगे तो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, हार के आ गए फिट। फिलहाल तो ये सोचे कि आपने यूएसए को कैसे हराना है, युगांडा को कैसे हराना है, नेपाल और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, जिनसे आप पहले भी हार चुके हैं, इस दफा आप दोबारा हारेंगे इनसे, ठीक है। एक आप इंडिया से नहीं जीत सकते, कन्फर्म है, इंडिया आपके खिलाफ ऐसे खेलेगा जैसे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता है, ठीक है। मैं तो कहता हूं इनसे ना बल्ले छीन लो, तो इनके हाथ में ना वो छनकने दो, वो जो ढोल वाले के पास नहीं होते वो छनकने दो, ये गलियों में जाके छनकने बजाय पैसे इकट्ठे कर। टीम वाली वर्ल्ड कप जीत के आएगी? कभी भी नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं, कभी ऐसी परफॉर्मेंस के साथ ये गली की टीम से भी नहीं जीत सकती। साइम जो नया टैलेंट, वो भी हमने दे दिया, जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर बैट्समैन हमने वो भी दे दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, लेकिन हर चीज दुआओं से मतलब कि क्रिकेट है, गेम है, जहार जीत होती है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, पाकिस्तान इंग्लैंड टिकट लेके आए हो? सर 3.5 लाख का टिकट लेके कल आया हूँ, फिर उसके बाद लंदन से वापस मुझे मैच देखने, उनके हालात ही नहीं, इनके पीछे इतने हम दूर दूर तक आए। तो क्या प्रॉब्लम क्या है हमजा इस टीम में? डरते हैं ये लोग, डरते हैं, डर है इनमें, बैटिंग सेंस ही नहीं है, 5 ओवरों में 60 स्कोर चाहिए, इफ्तिखार है, इमाद है, फजूल शॉट्स मार रहे हैं यार, हवा में बॉल को खेलना नहीं आता, छोटा ग्राउंड है, शादाब साहब को आप खिला रहे हैं, उसको इतनी मार पड़ रही है, फिर आप उसको चांसेस दे रहे हैं, साइम को ड्रॉप करके खुदा का वास्ता उसको उस्मान को वापस लाएं जो अपना करियर तबाह करके पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ तो इनके मजे लगे हैं, आप समझे इनके लगे हुए मजे, अली परेशानियां आप जैसे मेरी जैसे लोग होंगे, 15 कौन होंगे, अब इन 15 में तो सारे वही है जो 6 साल से, और कुछ तो ऐसे है जो पिछले 6 सालों में रिटायर होकर टीम में आ गए, तो फिर नया तो कोई भी नहीं है ना यार। सही, जब है ही नहीं तो फिर बेकार है बात करनी। अच्छा, जिस तरह प्रॉब्लम ये है, चेयरमैन बदलता है, कैप्टन बदलता है, परफॉर्मेंस फिर भी नहीं बदल रही, वही डिसमल परफॉर्मेंस बार बार, बैटिंग वही 3-4 लोग सीपीएल में परफॉर्म करते हैं, पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, तो इंटरनेशनल सर्किट पे क्यों नहीं परफॉर्म करते? हम यहाँ पे 100 पाउंड की टिकट खर्च के आए हैं, ट्रेन टिकट खर्च के आए हैं, ये वैल्यू दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट हमें, ये तो दिल तोड़ने वाली बात है यार, दिल तोड़ने वाली बात है। ट्रस्ट मी ब्रो, जब से अफगानिस्तान ने पड़ोसियों को पैंटा मारा तब से इनका ना दिन अच्छा गया, ना जिंदगी अच्छी गई, ना पीएसएल अच्छा गया, ना कोई सीरीज अच्छी जा रही। असल में हम लोग मीडिया पे ज्यादातर एक कमेंट ज्यादा देखते थे कि बेस्ट टीम्स इन द एशिया, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ्लैग दिखाए देते थे, और फिर साथ में लिखा होता था कि पूर टीम्स इन एशिया, जिसमें अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का फ्लैग होता था। तो भाई मुझे वो याद आता है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। देखो यार, पहले मजाक कर लेते हैं, बाद में थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई, जितने भी पाकिस्तान की टीम है इनको अफगानिस्तान से माफी मांगनी चाहिए, अफगानिस्तान का शराब लगा इनको, जब से अफगानिस्तान ने पहला है तब से भाई ये मैच नहीं जीत पा रहे। घंटा बजा दिया पकड़ के भाईजान हमारा, आज इंग्लैंड ने एक घंटे की कप्तानी में पाकिस्तान इंग्लैंड से भी भाईजान पिल गया जी। इंग्लैंड ने हमें दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान का पकड़ के घंटा बजा दिया। पहली बार मैंने सुन, घंटे के किंग, तुझे पता नहीं है आज तक, तुझे और तक पता नहीं चला कि भाईजान इस ग्राउंड में आज तक किसी के अब्बे ने भी चेज नहीं किया, चेज हुआ ही नहीं इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में चेज हुआ ही नहीं T20 में, और ये घंटे का किंग पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहा है, और बॉलिंग क्या कर रहा है, कुत्ते की तरह मार पड़ी है, कुत्ते की तरह मारा उन्होंने पकड़ के। शादाब खान जो इसका पर्ची यार है, उसको 4 ओवर में 55 रन बने हैं यार, 55 रन। टेपिया को पहले ओवर में 17 रन मारे उन्होंने पकड़ के, कुत्ते की तरह उन्होंने इनको मारा पकड़ के, और ये घंटे के किंग को ना कप्तानी करनी आती है, बैटिंग ये छनकना करके गया है, 26 बालों पे 32 रन करके गया है। ये T20 क्रिकेट में ये जस्टिफाई है? T20 क्रिकेट में ये जस्टिफाई रन्स? बताओ मेरे घंटे का किंग T20 क्रिकेट में ये जस्टिफाई करते हैं? वो बुलेट, लिपस्टिक, मौलवी, रिजवान, पोडू, एक्टर, वो 3 बालों में 0 रन करके गया, मतलब शर्लो खुशियां कर लो जश्न, पाकिस्तान की टीम दूसरा T20 मैच इंग्लैंड के सामने हार गई है, तालियां हो जाए भाई, क्लैपिंग हो जाए, हमारी बॉलिंग ने कमबैक कर लिया, OMG व्हाट अ बॉलिंग, हमारी बॉलिंग ने कमबैक कर लिया है, इंग्लैंड को 183 पे रोक लिया है भाई साहब, हमारी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास है, अब ये मैच हमारे हाथ से कहीं नहीं जा सकता, ऐसी चपेड़े मारी है ना आके मोइन अली ने,
कि यकीन माने आपके दो जो दो फराडिया है ना, बाबर और रिजवान, दोनों को खड़े खड़े एक्सपोज कर दिया है। एक को जीरो पे आउट कर दिया और दूसरे को 32 पे जो है चलता किया कि चल बेटा तेरी जो ठुक ठुक है ना उसका काम तमाम हो चुका है, हो चुके हैं 26 बालों पे 32, जैसे तुम हमेशा खेलते हो, बस चलो 2 रुपीज में इतना ही होता है, छुट्टी करो बेटा। उनको भी जैसे साइड पे कर दिया और 183 रन चेस करना इनके लिए वैसे पहाड़ जैसा था। मिड इनिंग्स में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग खुशियां बना रहे थे कि जी हमारी बॉलिंग ने कम बैक कर लिया है, भाई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। इफ करूं पाकिस्तान टीम की, और मैं मैच से पहले ये बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान टीम इंतजामिया को आज आजम खान को और सैम अयूब को खिलाना चाहिए, तंज में मैं कह रहा था, ताकि पता लगे सबको कि ये जो हम अपने हीरो सेलेक्ट करके लेके आए हैं और जो शादाब खान को पाकिस्तान टीम ने अपने अंदर रखा हुआ है, वो भी इन 3 प्लेयर्स की वजह से आज हम हारे हैं। बहुत सारे क्रिकेट फैंस से मेरी बात हुई, कोई लोग कह रहे हैं कि जी इफ्तिखार और इमाद को मैच जीतना चाहिए था। भाईजान, इफ्तिखार और इमाद ने जो मैच ख़राब करने वाले हैं, पहले हम उनको तो आइडेंटिफाई करें कि मैच ख़राब कैसे हुआ है और ख़राब किया किसने है। सबसे बड़ा जो इस टीम की शिकस्त का जिम्मेदार है वो थिंक टैंक है, जो कि इन प्लेयर्स को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए भी इन प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं। आखिर कितने और मैच, कब तक हम सैम अयूब की नो लुक शॉट और वो टांग उठा के जो भाई छक्का मारते हैं, हम उसके एवज अपनी इस तरह से अपनी टीम को तबाह करते रहेंगे। देखो मुस्तफा नकवी साहब, आपको मेरा तो ख्याल था ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, ऑनेस्टली 183 भी कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं था, डिस्पाइट बाबर आजम का जो बनोई है, बाबर आजम का जो वजीर है शादाब खान, वो तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दामाद है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दामाद है, तो वो हमें जेल में मिला है, वो भी जेल में मिला है, सैम अयूब भी जेल में मिला है, आजम खान भी जेल में मिला है, वहाब रियाज भी जेल में मिला है, तो पूरी ये चूचू का मरबा है, ये सब जेल में मिले हैं। बाबर आजम अच्छा भला जान छूट गई थी, लेकिन बाबर आजम को कप्तान ना दिया। अब अपने पीसीबी के पेड जर्नलिस्ट भी हैं इस वक्त, कोई कहाँ पहुंचा हुआ है, कोई कहाँ पहुंचा हुआ है, धरती के बोझ हैं साले, लेकिन क्योंकि हराम खाते हैं तो हक्का की जो है गुलामी का जारी बात है, फिर जूते भी साफ करने होते हैं। भाई शाहीन को वाइस कप्तान बना रहे थे, वो पीसीबी ने मेल निकाल दी जनाब, वो कहा जी हमने शाहीन का नाम तक नहीं जिक्र किया, वाइस कप्तानी पे सोचा था, शाहीन जैसों का नाम भी नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन क्योंकि बेगैरत है। देखिए यूट्यूब या ये जो सोशल मीडिया है, इस पर कामयाबी का बिल्कुल एक आसान सा तरीका है, वो ये तरीका अपने मुल्क की बेइज्जती करें, अपने प्लेयरों पर दिल खोल के भौंकें और साथ वाले मुल्क यानी इंडिया की बगैर किसी वजह के तारीफ करें, बगैर किसी वजह से। कल तक उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्लिप्स मौजूद है, हर चीज मौजूद है, आज वो देख लिया उन्होंने। देखे यार आपने जितने मुझे के हाथों भी पहला मैच हारेंगे, मतलब तो वर्ल्ड कप का भी पहला मैच हारेंगे, आखिर ही होगी कि पहले आयरलैंड ने हमारा वर्ल्ड कप का सपना तोड़ा, हम फिर भी इतनी ढीठ हड्डी हैं, इतनी कोई मैं कहूंगा कि हम पाकिस्तानी जो है ना इंतहा से ज्यादा ना ढीठ की हड्डी है, हम बात नहीं मानते, हम उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा तो मैं जैसे कहता ना अपने आप को कहूंगा इस बंदे इस चीज के बारे में कि मैं सबसे बड़ी कोई ढीठ की हड्डी हूँ, जो मैं बंदा नहीं बनता, मैं बाज नहीं आता, मैं बार बार इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं बार बार इनका जैसे कहता ना कहूंगा कि ये अब कुछ करेंगे, ये अब कुछ करेंगे, और ये बार बार मुझ समेत सब पाकिस्तानियों को निराश करते हैं, दुखी करते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं। आयरलैंड से जब हारे, अगर होते ना हम अच्छे तो हमें चाहिए था कि उसी वक्त इस टीम का बाइकआउट हमें कर देना चाहिए था, हमें इस टीम के मैचेस देखने भी चाहिए थे, लेकिन फिर क्या होता है अगले 2 मैचेस में ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, दोबारा से उम्मीदें जगा लेते हैं। अब सवाल ये आता है जब आप उन उस छोटी टीम के खिलाफ ऐसे खेल रहे हो तो इस बड़ी टीम के खिलाफ भी तो ऐसे खेल के दिखाओ ना, जब आप उन बच्चे आयरलैंड को इतना मार रहे हो तो भाई फिर हिम्मत है तो इसको भी मार के दिखाओ, इस टीम को भी मार के दिखाओ जिस टीम के साथ आज आपका मैच था। आज इंग्लैंड को मार के दिखाते 183 ही तो था, बस जस्ट 183 था, कोई ज्यादा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 183 स्कोर था।